हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। आओ सालो। सुबह के बज रहे हैं 8, बारिश है चालू, रोड से गीले और हमने थोड़े पीले निकल। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे हैं भैया जी। चुके हैं सुबह सुबह ड्यूटी पर और आज का ब्लॉग सबसे अलग होगा अगर बारिश ज्यादा नहीं हुई तो। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं रेलवे में रेल कैसे चेंज होती है, रेलवे का वेल्डिंग कैसे होता है और क्या क्या चीजें की जाती है जब रेल चेंज करनी होती है। तो आज आपको भरपूर मजेदार वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, कुछ भी अच्छा लगे ब्लॉग में कमेंट करके बता देना और लाइक हमारी परंपरा है तो वीडियो देखने से पहले ही लाइक अभी से कर देना। अब रेल को हाइड्रा की हेल्प मिल गई अपनी, हाइड्रा से लेके यहाँ ऊपर रख देंगे फिर यहाँ से लेके चले जाएंगे जहाँ चेंज करनी है रेल। तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर और रखवा देते हैं इसको। आने दो आवा दी आ रही जाए। ढाली जाए यहाँ जा रहा है हाइड्रा रेल लेके, वो ऊपर रखेगा और ये है रेल ट्रॉली जिसपे रेल लगेगी और ये जाएगा फिर आगे। तो ये रेल इसलिए हम बदल रहे हैं कि ये दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है वहाँ पे एक मटेरियल होता है जो ये वाली रेल में है, बीच में प्लास्टिक जैसा दिख रहा होगा वैसा वो रेल में ख़त्म हो चुका है इसलिए ये रेल को बदला जा रहा है, इसमें जो है नहीं। सबसे पहले लगाएंगे कट मशीन इसको रेल को कट करने के लिए। अब जो हमारे लोहार भाई हैं वो लगा रहे हैं डिस्क इस रेल को काटने के लिए। अब ये जो रेल है इसको बोलते हैं ग्लूड जॉइंट और ये हमारे लोहार भाई ऑल सेट टू कट द रेल मशीन कर रहे हैं स्टार्ट। जब ये मशीन लग जाती है और उसके सामने जो आग निकलती देख रहे हो आप वो लोहे के टुकड़े होते हैं तो उसके सामने खड़े रहना और अगर वो टुकड़ा आग में चला जाए तो बहुत ही नुकसान करता है, तो सामने कभी खड़े मत रहिए जब ये कट रहा है। एक कट हो चुका है, अब मार्किंग कर दी है, यहाँ पे लगेगा दूसरा कट जो भी आप देख रहे हो। दोनों कट होके रेल हमने चेंज कर दी है, अब वेल्डर आ गए हैं जो कि ये दोनों रेल को लेवल पे ले आएंगे उसके बाद ही होगा वेल्डिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी लेवल होना, दोनों रेल में जितना अप एंड डाउन कर सकते हैं उतना उसको अप एंड डाउन कर दिया जाता है और सेट करके ये चीज़ बांधी जाती है जो आपको आगे दिखाऊंगा ये क्या होती है। सब लोग इधर रहो यार। हेलो मशीन चढ़ाओ। हेलो
हैप्पी बर्थडे मोल्ड को बांध के इसको बालू से इतना कवर किया जाता है कि कोई भी गैप में से जब यहाँ मटेरियल अंदर जाएगा तो कोई भी मटेरियल बाहर ना गिले, इसलिए गीला बालू करके हर एक गैप में बालू से उसको कवर किया जाता है। चालू हो जाएगा, दोनों रेल के मुंह में जो गैप होता है उसको गर्म कर देंगे टेम्परेचर पे। गया पोर्शन, अब अंदर से दिवाली की फुलझड़ी निकाल के इसको जलाया जाएगा और पोर्शन के ऊपर इसको इस तरह से रख दिया जाएगा और इसमें लग जाती है आग। जो नीचे बाल्टी रखी है उसमें से पहले से ही ऑलरेडी एक छेद होता है, वो मटेरियल लावा टाइप का गिरता है नीचे गैप में। जो मोल्ड हमने बांध के रखा था वो सेम टू सेम होता है रेल के आकार का, वो अंदर गिर जाता है और दोनों रेल के फेस पे चिपक जाता है और ये हो चुका है आपका रेलवे का एक वेल्डिंग। इस प्रक्रिया को कम्प्लीटली 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। मटेरियल गिरने के बाद ये बाल्टी को कर दिया जाता है दूर और इसको एक टाइम तक ऐसे ही रखना पड़ता है। जब इसकी टाइम अवधि समाप्त हो जाती है 3-4 मिनट तक ये गल जाता है, उसके बाद पूरे मोल्ड को खोल दिया जाता है कटिंग करने के लिए। अब ये दूसरी मशीन हमारी लगने को रेडी है, उसको कर दिया जाता है सेट। इसको बोलते हैं ट्रिमर मशीन। ये काम करता है सूखे हुए मोल्ड
और पोर्शन जो गिरा था उसको काटने के लिए वंस अगेन इट्स अ ट्रिमर मशीन, जिसको कर दिया जाता है सेट मटेरियल के सूखने के टाइम के बाद। अब देख लो ट्रिमर चालू करके ये वेल्डिंग को काटा कैसे जाता है, देखते रहिए। ये जो मटेरियल गिर रहा है वो किसी लावा से कम नहीं है, जो उंगली से गिर जाए तो उंगली से ऐसे ही निकल जाएगा। और ये ट्रिमर पे जितना प्रेशर होता है वो पूरा हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। और ये अपना कट चुका है वेल्डिंग। तो फ्लोर जाने तो भाई फ्लोर अब जितना भी अनवांटेड चीज़ें होंगी, जो कि ये बहुत खतरनाक और बहुत गर्म होती है, इसको एक सांसी की हेल्प से साइड पर से दूर किया जाता है और घन से हल्के हाथों से काट दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। नाइन्टी % वेल्डिंग हो चुका है। अब जितना भी ये पोर्शन बचा है इसको ग्राइंडर से कट किया जाएगा। अब ये आ चुका है ग्राइंडर, और ग्राइंडर से जितना भी दोनों रेल के बीच का लेवल के प्लस माइनस जितना भी मटेरियल होगा वेल्डिंग का, उसको पूरा ग्राइंडिंग से ग्राइंड करके इतना स्मूथ कर देंगे कि कोई भी ट्रेन ऊपर से चलेगी तो उसको एहसास भी नहीं होगा कि बीच में वेल्डिंग से जा रहा है। ये फाइनल रिजल्ट ग्राइंडिंग के बाद देख सकते हैं, इतना स्मूथ हुआ है कि पता ही नहीं चलता ये वेल्डिंग हुआ है। तो फाइनली काम ख़त्म, गाड़ी अपनी रेडी है, जाएंगे अब घर, मिलते हैं आपको आगे। ओके, तो फाइनली घर को निकल चुके हैं, राम मंदिर आने वाला है। तो आई होप तो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि शायद ही ये चीज़ आप गूगल पे इतनी क्लियरली देख पाओगे या लाइव आपने देखी होगी, मुझे आइडिया नहीं है उतना नारा। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे वीडियो को। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और चैनल पे नए हो, पहली बार ब्लॉग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर से आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।